सर, मैं नानाग्राम शर्मा, हिंदुस्तान पत्रिका से। आप ये जो डोली जो ये अभियान चलाएं, इसके बारे में आप क्या कहना है? वर्तमान में पर्यावरण के संकट को देखते हुए तथा राज्य सरकार की योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बस्सी उपखंड प्रशासन द्वारा एक नवीन पहल की गई है और इस पहल का नाम है डोली और निम्बोली। ये अभियान बस्सी उपखंड प्रशासन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगियों के माध्यम से शुरू किया गया है, जिसमें प्रत्येक खेत प्लाट अथवा क्षेत्र की डोली के सारे सारे नीम की निम्बोली 10-10 फीट के अंतराल पे हमें रोपण करनी है। ये निम्बोली हमें निःशुल्क मिलेगी। चूँकि नीम हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयुक्त पौधा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम पौधा है, तो नीम की उपयोगिता को देखते हुए तथा इसकी जो निम्बोली है उसकी सर्व उपलब्धता को देखते हुए डोली और निम्बोली नामक एक कार्य शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को, स्कूल के बच्चों के माध्यम से तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी के माध्यम से हर खेत खलियान के डोली के सारे 10-10 फीट के अंतराल पे ये निम्बोली लगानी है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुधार है। सर, ये स्कूलों में भी अभियान चलाया जाएगा क्या? बिल्कुल, स्कूल के जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है उनकी मीटिंग हमने आयोजित कर ली है तथा उन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान 5 मिनट के लिए पर्यावरण सुधार के लिए अपेक्षित प्रयास करने और डोली निम्बोली का अभियान जोर शोर से चालू करने के लिए हमने निर्देशित कर दिया है।